हेलो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर टू इसके कुल फोर पार्ट हैं और इसका हम फर्स्ट और सेकंड आज अटेंड करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस जितने भी ये न्यूमेरिकल दिए हैं वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं इनको आ, इनको सिर्फ आ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है और उसमें इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख देना है ठीक ना द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज फाइव हंड्रेड ट्वेंटी एट मीटर स्क्वायर द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर ठीक है इन मीटर लेना है इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट ठीक है तो इस ये कह रहा है कि जो ब्रीथ है लेंथ का ट्वाइस प्लस वन ज़्यादा है ठीक है जो लेंथ है वो ब्रीथ से टू ज्यादा ट्वाइस ज़्यादा है और प्लस वन ज़्यादा है तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग द लेंथ लेट द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी टू एक्स प्लस वन ठीक है लेंथ लेंथ जो है टू एक्स प्लस वन ब्रीथ के दोगुना है प्लस एक ज्यादा है मीटर्स एंड और जो ब्रीथ है वो एक्स मीटर्स है रेस्पेक्टिवली इट इज गिवन डेट इट्स एरिया उसका एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर तो इसका इक्वेशन बन जाएगा 2x एक्स प्लस वन इन टू एक्स इजक्वल टू ठीक है तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 200 हंड्रेड uh, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज्कवल टू फाइव हंड्रेड ट्वेंटी एट ठीक है इस फाइव हंड्रेड ट्वेंटी एट को इधर लाएंगे तो ये इक्वेशन एक बन जाएगा ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव हंड्रेड ट्वेंटी एट इजल टू जीरो तो सिर्फ इसको इसको इतना पे छोड़ देना है ठीक है क्वेश्चन में दिया है कि इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है सिचुएशन को uh, इस इस फॉर्म में लिखना है तो हम लोग लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन ठीक है गिवन कंडीशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है अब पार्ट टू देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज थ्री हंड्रेड सिक्स वी नीड टू फाइंड द इंटीजर एक दो एक इंट, आ, दो दो जो है वो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है जैसे पॉजिटिव इंटीजर जैसे वन टू थ्री फोर इंफानाइट तक ठीक है और वो टू कॉन्जिक्यूटिव है जैसे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है इसमें कई कई बार दे देता है टू ऑड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ठीक है इवेंट दे देता है तो एक्स प्लस ठीक है वहाँ पे ऑड लग जाएगा जैसे वन थ्री एक्स के लास्ट में तो इसको सॉल्व करते हैं ठीक है लेट टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बी एक्स एंड एक्स प्लस वन ठीक है ये uh, एक ज़्यादा हो जाएगा सच डैट देअर प्रोडक्ट इज थ्री हंड्रेड सिक्स ठीक है इसका जो प्रोडक्ट है थ्री हंड्रेड सिक्स तो इसको मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है थ्री हंड्रेड सिक्स आ रहा है तो इसको हम लोग करेंगे एक्स ठीक है ये जो है ये पहला है ठीक है यह स्मॉलर वाला है और ये लार्जर क्वान्ट्यूटिव वाला है दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना आ रहा है ठीक है इन दोनों को चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये इधर चलने पे माइनस आ जाएगा ठीक है इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा तो माइनस थ्री हंड्रेड सिक्स इज टू जीरो तो वही ठीक है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है तो इसको लिखेंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन ठीक है ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है तो इसको सिर्फ इतना करके कर छोड़ देना ठीक है इसको पूरा सॉल्व नहीं करने लगना है और क्योंकि ये लिखा है यहाँ पे कि इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सिर्फ लिखना है इसको सॉल्व नहीं करना है अगर सॉल्व करने को कहेगा तब आप सॉल्व करने को कहेंगे ठीक है थैंक यू और इस इस चैनल को सब्सक्राइब करें